एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। बहुत बड़ी खबर लखनऊ से है। साल 2020-21 की आबकारी नीति में बदलाव किया गया, पर्सनल बार रखने वालों को भी लाइसेंस लेना होगा। पर्सनल बार रखने वालों की 12,000 सालाना फीस होगी। 51,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद ही उन्हें पर्सनल बार का लाइसेंस मिलेगा। जिनकी भी आय 7.5 लाख से ज्यादा होगी ऐसे लोगों को ही पर्सनल बार का लाइसेंस दिया जाएगा और लगातार 3 साल तक जिसने 20% इनकम टैक्स भरा होगा उसे ही ये लाइसेंस मिलेगा। तो ये है आबकारी नीति में बदलाव। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं। अनुभव, इस नीति में बदलाव का लक्ष्य? देखिए बिल्कुल, 2 दिन पहले कैबन बाई सर्कुलेशन के जरिए यूपी सरकार ने 2020-21 की जो नई आबकारी नीति थी उसे मंजूरी दी थी और उसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण थी। एक तो ये कि जो शराब की दुकानों के लाइसेंस है वो अप्रैल में 7.5% वो बढ़ जाएंगे और दूसरा जिस तरीके से लोग उसका पर्सनल बार रखते हैं घरों में उसमें 2010 तक नियमों से बदलाव किया था और अब ये कर दिया है कि उसके लिए 12,000 की सालाना फीस उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होगा। एक और क्लॉज इसमें जुड़ा है कि जिनकी आमदनी 7.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो प्रमुख सचिव है आबकारी विभाग से उनसे बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था इसके लिए ये क्लॉज इसलिए रखा गया है कोई उनका फायदा होगा घर में ही जो बियर बार खोल ले या कोई अपना बार खोल ले, इसीलिए अब ये नियम उसमें क्लॉज के तहत जोड़ने का है जिससे कैरेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी मिली। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।